नमस्कार दोस्तों, मैं सरवीन जांगिड़। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा है, आज अपन सीखने वाले हैं डिवाइड यानी भाग। दोस्तों, जब अपन किसी संख्या को 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक व 5 अंक की संख्याओं से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड काफी कैलकुलेटिव हो जाता है, काफी टफ हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए भाग करने की ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं जिससे आप किसी भी संख्या को किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों, ये डिवाइड करने का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में भी मैंने भाग करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई है, तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा 896 में भाग देना है 79 का, यानी 79 का। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से चेक करोगे तो इसका आंसर आएगा 11.34। लेकिन एग्जाम में हमें कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है, तो अपन कैसे निकालेंगे इनका आंसर दशमलव में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस संख्या में भाग देना है उसको लिखेंगे 896। उसके बाद में दोस्तों, हमें 79 के टेबल नहीं आती है तो क्या करेंगे, 79 के दो हिस्से कर लेंगे, वो हिस्सा जिसकी टेबल हमें आती है। तो जैसे 7 है तो अपन यहां पर लिखेंगे 7, 7, क्योंकि 7 की टेबल हमें आती है। अब बचा हुआ 9, इसका क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इधर इस साइड में, यहां पर हमने लिखा 9 यानी 9। अब क्या करेंगे, यहां पर हमने 1 अंक लिखा, जितने अंक यहां पर लिखते हैं उतने अंक छोड़ के इसमें दशमलव लगा देते हैं। तो यहां पर हमने 1 अंक लिखा तो 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। अगर 2 अंक लिखते हैं यहां पर तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। बाकी प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन बेसिक से डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें 8 में भाग देंगे 7 का, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहां पे लिखेंगे 7। तो 8 में 7 माइनस किया, कितना बचा, एक। अब अगला अंक उतारेंगे, इसमें क्या है, 9, तो यहां पे लिखेंगे। जब भी कोई नया अंक उतारते हैं तो एक इसमें स्टेप ऐड हो जाती है, वो कौन सी है, जो संख्या यहां पर लिखते हैं उस संख्या को यहां से वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें माइनस करेंगे, यहां पर कितना है 9, तो इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 9 गुणा 1 होगा 9, तो इसमें माइनस कर देंगे। तो 19 में से माइनस किया, 9 कितना आया, 10। अब इस 10 में भाग देंगे 7 का, कितने बार जाएगा, एक बार, तो यहां से आ जाएगा 7, कितना बचा, 3। अब आगे क्या है, दशमलव, तो सबसे पहले यहां पर लगाएंगे दशमलव। अब अगला अंक क्या है, 6, तो अगला अंक उतारेंगे, 6 होगा 36। जब भी कोई अंक उतारते हैं तो यहां वाली संख्या को इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहां पर 1 अंक है तो 1 अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहां पर 2 अंक लेते तो 2 अंकों से मल्टीप्लाई करते, उसको अपन आगे देखेंगे। यहां पर 1 ही अंक है तो इसका इकाई का अंक क्या है, 1, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 गुणा 1 होगा 9, तो माइनस कर देंगे, 36 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 27। अब 27 में भाग देंगे 7 का, कितनी बार, 3 बार, 7 गुणा 3 होता है 21, कितना बचा, ये बचा 6, तो इस वाले 6 को अपन यहां पर लिख लेंगे, यहां पर लिखा 6। अब आगे कोई अंक है नहीं तो क्या करेंगे, दशमलव लग चुका है तो 0 उतार लेंगे। अब हमने नया अंक क्या लिया, 0, और जब भी कोई नया अंक लेते हैं तो इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 गुणा 3 हो जाएगा 27, तो 60 में से माइनस करेंगे 27, कितना बचेगा, 33। अब 33 में भाग देंगे 7 का, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 7 गुणा 4 होगा 28, दशमलव के 2 अंकों तक हमारा आंसर आ गया 11.34। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या हमने हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल बेसिक तरीका है, बस इसमें एक स्टेप ऐड हो जाती है, कौन सी, यहां वाला जो अंक अपन इधर लिखते हैं वो उस अंक को अपन इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, कब, जब कोई भी नया अंक उतारते हैं उस टाइम पर। बाकी बेसिक तरीका वही है जो अपन नॉर्मल करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है 8625 को डिवाइड करना है 117 से, तो 117 की टेबल तो हमें आती नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 8625, इसमें भाग देना है 117 का, 117 की टेबल आती नहीं तो अपन यहां पर लिखेंगे 11, क्योंकि 11 की टेबल हमें आती है। अब बचा हुआ 7 इधर लिखेंगे। अब यहां पर कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे यहां पर। अब इसके बाद में इसमें भाग देंगे तो जाएगा 7 बार, 11 गुणा 7 होता है 77, इसमें माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9। अगला अंक उतारेंगे इसमें क्या है, 2, तो हो जाएगा 92, 92। और जब भी कोई नया अंक उतारते हैं तो यहां वाली संख्या को इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं,
एक अंक है तो 7 × 7 हो जाएगा 49, इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा यहां से 3 और इधर 4, 43 में भाग देंगे, 11 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 11 × 3 होता है 33, कितना बचा 10। अब क्या करेंगे, इसमें दशमलव लगाएंगे क्योंकि आगे क्या दशमलव, अगला अंक क्या 5, तो अगला अंक उतार लें यहां से 5, 105। तो जब भी कोई नया अंक उतारते हैं तो इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 × 3 हो जाएगा 21, यहां से बचेगा 4 और ये 8। 84 में भाग देंगे 11 का तो कितने बार जाएगा, 7 बार, तो हो जाएगा 77, कितना बचेगा 7, इस वाले 7 को यहां पर लिखेंगे। अब आगे अंक कोई बचा नहीं है, अब क्या करेंगे 0 उतारेंगे। तो जब भी कोई अंक उतारते हैं तो इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक अंक है तो इधर का इकाई अंक ले लो, 7 × 7 49, तो कितना बचेगा 21, 21 में भाग देंगे 11 का तो एक बार जाएगा ये 11, तो इसका आंसर होगा 73.71। अगला प्रश्न है 7693 में भाग देना 139 का, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 7693, तो 139 का टेबल हमें आता नहीं है तो यहां पर लिखेंगे 13 और बचा हुआ 9 लिखेंगे यहां पर। एक अंक है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे यहां पर। अब भाग देंगे इसमें कितने बार जाएगा, 13 × 5 होता है 65, तो इसमें माइनस करेंगे यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 1। अगला अंक उतारेंगे, अगला अंक क्या है 9, तो हो जाएगा 119। जब भी कोई अंक उतारते हैं तो इस वाली संख्या को यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 × 5 हो जाएगा 45, तो इसमें से माइनस कर देंगे यहां से बचेगा 4 और ये 7, 74, 74। 74 में भाग देंगे 13 का कितने बार जाएगा, 5 बार, 13 × 5 होता है 65, तो ऐसे कितना बचेगा 9। अब आगे क्या है दशमलव, तो यहां पर लगाएंगे दशमलव। अगला अंक क्या है 3, यहां से उतार लेंगे 3, 93। तो जब भी कोई नया अंक उतारते हैं तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 9 × 5 हो जाएगा 45। यहां पर एक अंक है तो इसका भी एक अंक लेंगे इकाई का, इस साइड का, तो इसमें से माइनस करेंगे यहां पर बचेगा 8 और यहां से बचेगा 4, 48। अब 48 में भाग देंगे 13 का कितने बार जाएगा, 3 बार, तो हो जाएगा 39। तो 48 में से माइनस करेंगे 39, तो कितना बचेगा 9, ये वाला 9 यहां पर लिख लेंगे 9। अब आगे अंक क्या है, कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 0 उतार लेंगे, दशमलव लग चुका है 90, तो अब क्या करेंगे इस वाली संख्या को इससे गुणा करेंगे, 9 × 3 होता है 27, तो यहां पर लिखेंगे 27, तो बचेगा 63। तो 63 में भाग देंगे 13 का कितने बार जाएगा, 4 बार, 13 × 4 होता है 52, तो इसका आंसर आएगा 55.34। अगला प्रश्न है 7,08,153 में भाग देना 1216 का, तो सबसे पहले लिखेंगे जिस संख्या में भाग देना उसको। अब 1216 है तो अपन यहां पर लिखेंगे 12 और यहां पर लिखेंगे 16 × 16 है। यहां पर वही संख्या लिखनी है जिसकी टेबल हमें आती हो, जिसकी नहीं आती है बाकी अंक बचते हैं उसको इधर लिखेंगे। दो अंक लिखे तो दो अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे यहां पर, दो अंक छोड़कर। अब क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे, तो 5 बार जाएगा, 12 × 5 होता है 60, कितना बचा 10। अगला अंक उतार लेंगे 8, 108। जब भी कोई अंक उतारते हैं तो क्या करेंगे, यहां वाली संख्या को इससे गुणा करेंगे। अब तक एक अंक था तो एक अंक से गुणा किया, अब कितने अंक, दो, तो दो अंक से गुणा करेंगे, लेकिन यहां पर तो दोस्तों एक ही अंक है तो दूसरा अंक लगाएंगे क्या 0। अब इस साइड में 0 लगाएंगे तब 50 हो जाएगा, तो ये सही नहीं है, तो 0 लगाएंगे इस साइड में, तो अपन यहां पर लिखते हैं इसको 16 और इसको लिखेंगे 05, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, इसको इससे और इसको इससे, 6 × 0 हो जाएगा 0 और 5 × 1 5, तो यहां पर आएगा 5, इसमें माइनस कर देंगे 103। अब 103 में भाग देंगे 12 कितने बार जाएगा, 8 बार, 12 × 8 होता है 96, बचेगा कितना 7। अब अगला अंक क्या है इसमें 1, तो 71 हो गया। अब जैसे ही कोई संख्या उतारते हैं तो इसको गुणा करेंगे, तो यहां पर 16, यहां पर 58, दो अंक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 16 ये 58, दो अंक है तो दो अंक लेंगे, 8 × 8 होता है, 8 × 1 होता है 8 और 6 × 5 होता है 30, 30 × 8 38, इसमें माइनस कर देंगे 71 में से, तो यहां पर बचेगा 3 और यहां से बचेगा 3, 33, 33 में भाग देंगे किसका, 12 का कितने बार जाएगा, 2 बार, तो हो जाएगा 12 × 24, तो कितना बचेगा यहां से 9 बचेगा।
अब उसके बाद में क्या है, दशमलव, तो यहां पर लगा देंगे दशमलव। अब आगे अंक क्या है, पांच, तो यहां पर उतार लेते हैं इसको, नौ और ये पांच। जब भी कोई अंक उतारते हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली संख्या को, तो यहां पर क्या है 16 है, ये दो अंक है तो इसके भी दो अंक लेंगे, इसके इकाई और दहाई के अंक इधर से लेने हैं तो इसके दो अंक ले लेंगे, ये 16 हो गया, इसके दो अंक कौन से आ जाएंगे 82। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 होता है 2 और 8 × 6 होता है 48, 48 और 2 होता है 50, माइनस कर देंगे यहां से 5 और यहां से 4। अब 45 में भाग देंगे 12, कितने बार जाएगा 3 बार, 12 × 3 होता है 36, बचेगा कितना 9। अगला अंक क्या है 3, तो ऐसे लिखेंगे 3, 93। तो फिर से क्या करेंगे, इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, तो दो अंक है तो 16 और इसके दो अंक कौन से हैं, इकाई और दहाई के 23। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2 = 12 और 3 × 1 = 3, 12 × 3 होता है 15, तो यहां से कितना बचेगा 8 और यहां से 7। 78 में भाग देंगे 12 का, कितने बार जाएगा 6 बार, यानी 72। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन बड़ी आसानी से ऐसी संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं। अपन कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला प्रश्न है 587,562 में भाग देना है 1541 का, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 587,562, भाग देना 1541 का, तो 15 तो यहां पे लिखेंगे और 41 लिखेंगे यहां पर। दो अंक है तो दो अंक छोड़ के क्या लगा देंगे दशमलव। अब जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे, तो 3 बार जाएगा, 15 × 3 होता है 45, कितना बचेगा 13। अगला अंक उतारेंगे 7। अब जैसे कोई अंक उतारते हैं तो हमारी स्टेप क्या होती है, इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर दो अंक है तो यहां पर भी दो अंक होने चाहिए, जैसे हमने पहले वाले में किए थे, तो 41 तो यहां पर लिखेंगे 03। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 = 12 और 1 × 0 = 0, तो हो जाएगा 12, तो इसमें माइनस कर देंगे 12, तो ऐसे बचेगा 5 और यहां से 2 और ये 125 में भाग देंगे 15 कितने बार जाएगा 8 बार, तो हो जाएगा 120, यहां से उतारेंगे 5। अब अगला अंक क्या है 5, तो अगला अंक उतारेंगे यहां पर 5, तो होगा 55। अब जैसे कोई अंक उतारते हैं तो इसको गुणा करेंगे, तो यहां पर क्या होगा 41 और इसके दो अंक कौन से हैं 38, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 4 होता है 32, 3 × 1 = 3, तो 32 और 3 होता है 35, माइनस करेंगे कितना बचेगा 20। अब क्या करेंगे 20 में भाग देंगे 15 का, कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो यहां से लिखेंगे 15, तो 20 में से 15 माइनस करेंगे बचेगा 5, वो यहां पर लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या है दशमलव। अगला अंक क्या है 6, तो यहां पर उतार लेंगे 6, तो हो जाएगा 56। तो जैसे कोई अंक उतारते हैं तो इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर दो अंक है तो इसके भी दो अंक ले लेंगे साइड की इकाई और दहाई के, तो यहां से 41 और इकाई का और दहाई का अंक है 81। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 = 4 और 1 × 8 = 8, तो हो जाएगा 12, तो 56 में से माइनस करेंगे 12 कितना हो जाएगा 4 और ये 4। 44 में भाग देंगे 15 का, कितने बार जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 30, कितना बचेगा 4, 14 बचेगा इसमें। अब अगला अंक क्या है 2, तो हो जाएगा 142। तो क्या करेंगे, इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नया अंक उतारा हमने, तो 41 और यहां से कितना है 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8 और ये 1 = 9, तो हो जाएगा 9, तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 133। 133 में जब भाग देंगे 15 का, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 120। लास्ट प्रश्न है 1,85,432 में भाग देना है 10,231 का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे 1,85,432, तो यहां पर हमें 102 का टेबल भी नहीं आता, तो यहां पर लिखेंगे 10, बचा हुआ 231 इधर लिखेंगे, जो भी अंक बचता है उसको यहां पर लिखेंगे, कितने अंक है 3 अंक, तो यहां पर 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे करेंगे, इसमें 1 बार जाएगा, कितना बचा 8। अगला अंक क्या है 5, यहां से उतार लेंगे 85। तो जब भी कोई अंक उतारते हैं तो इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर 3 अंक है तो यहां पर भी 3 अंक होने चाहिए, तो अपन क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे 231 001। 3 अंक में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, इस वाली संख्या को इससे, इस वाली संख्या को इससे और बीच वाली संख्या को बीच वाली संख्या से, 1 × 0 होगा 0, 1 × 2 होगा 2 और 3 × 0 होगा 0, तो बचा कितना हमारे पास में 2 बचा,
ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 में से माइनस करेंगे, 2 कितना बचा 83, 83। अब 83 में भाग देंगे 10 का, कितने बार जाएगा 8 बार, तो हो जाएगा 80, बचा कितना 3। अब आगे क्या है, दशमलव, तो सबसे पहले जाएंगे दशमलव। अगला अंक क्या है 4, तो होगा 34। फिर से क्या करेंगे, नया अंक उतारा है तो इसके 3 अंक और इसके भी 3 अंक लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से 231, यहां से हो जाएगा 0, 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 2 = 16, 1 × 0 होता 0 और 3 × 1 = 3, तो 16 × 3 हो जाएगा 19। दोस्तों आप पहली बार देख रहे होंगे शायद ये ट्रिक, तो आपको थोड़ी सी अलग लगेगी, लेकिन जब आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। तो इसमें से माइनस करेंगे बचेगा यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा 1, 15 बचेगा यहाँ पर। तो जब 15 में भाग देंगे 10 का, कितने बार जाएगा 1 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, कितना बचा 5। अब अगला अंक क्या है 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5, तो नीचे से बचा और ये 3। तो जब भी कोई अंक उतारते तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से है 231 और ये है 181। ऊपर 3 अंक है तो इसके भी 3 अंक लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 होता 1, 2 × 1 होगा 2, 3 हो गया, 8 × 3 होगा 24, 24 × 3 = 27। तो 53 में से माइनस करेंगे 27, तो यहां पर आ जाएगा 6 और यहां पर 2 = 26। तो जब 26 में भाग देंगे 10 का, कितने बार जाएगा 2 बार, तो होगा 20। तो इसका आंसर आ गया 18.12। दोस्तों इस प्रकार से अपन बड़ी आसानी से किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं दशमलव के कितने भी अंक तक। नॉर्मली हमें 2 अंकों तक निकालना पड़ता है दशमलव के। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिक पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और 100 ट्रिक आपके लिए लेकर आऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।